अपने अपने आकाओं से बात करो, कोई बचाने वाला नरवीर सिंह का धरती पर नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं या तो नरवीर मंत्री रहेगा या आप लोग रहोगे, नहीं आप रहोगे। ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। गुरुद्वार से चलो, सब लोग गुरुद्वार ढूंढ के आ रहे हो, कोई काम नहीं हुआ, बुरा हाल करके आप लोगों ने शुरू कर दिया। दिन हो गया, जल्दी करो, आप जल्दी जल्दी निकल यहां से। कैबिनेट मंत्री का पदभार संभालते ही राव नरवीर सिंह एक्शन में आ गए हैं। आज राव नरवीर सिंह ने गुरुग्राम जिले के तमाम अधिकारियों की मीटिंग ली और मीटिंग में मौजूद दर्जनों अधिकारियों के सामने ही राव नरवीर सिंह ने उन लापरवाह अधिकारियों को फटकारना शुरू कर दिया जिनकी वजह से गुरुग्राम में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह कैसे एक्शन में आ गए हैं और अधिकारियों को खुली चेतावनी दे दी है कि या तो वो सुधर जाएं नहीं तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। पिछले 5 साल में गुरुग्राम जिला जितना बदहाल स्थिति में पहुंचा है, ऐसी बदहाल स्थिति शायद गुरुग्राम शहर की पहले कभी नहीं हुई। सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ है, गलियों में नाली का पानी बह रहा है, सड़कों पर सड़कें कम बल्कि गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर अब नई सरकार में कैबिनेट मंत्री का पदभार संभालने वाले राव नरवीर सिंह गुस्से में आ गए हैं। गुस्से के साथ साथ वो एक्शन में भी आ गए हैं। आज शनिवार को उन्होंने सबसे पहले तो गुरुग्राम के महावीर चौक पर अपने स्वर्गीय पिता राव महावीर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहां पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, फूलों की बारिश उन पर की गई और बुलडोजर के सहारे उन पर फूल बरसाए गए। इसके बाद राव नरवीर सिंह ने गुरुग्राम के जिला सचिवालय पर सरकारी अधिकारियों की एक मीटिंग रखी और इस मीटिंग में गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर, गुरुग्राम के डीसी समेत नगर निगम, जीएमडीए, मानेसर नगर निगम के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे और यहां पर उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगानी शुरू कर दी। राव नरवीर सिंह ने तमाम उन लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी दी है कि या तो वो अधिकारी गुरुग्राम से अपना तबादला करा ले या वो गुरुग्राम में काम कर ले, नहीं तो उनको जेल में भेज दिया जाएगा। कुछ वीडियोस भी उस दौरान की आई है जब राव नरवीर सिंह इन अधिकारियों को फटकारते हुए नजर आए हैं। राव नरवीर सिंह ने गुरुग्राम के उन तमाम लापरवाह अधिकारियों को आईना दिखाना शुरू कर दिया जिनकी वजह से गुरुग्राम आज बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। जब दर्जनों अधिकारियों की मौजूदगी इस कॉन्फ्रेंस हॉल में रही तो उस दौरान राव नरवीर सिंह पूरे गुस्से में नजर आए और मानेसर नगर निगम में नवीन धनखड़ को खुली चेतावनी दे दी है कि वो अपना यहां से तबादला करा दे, नहीं तो उनको जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि नवीन धनखड़ की बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। इसी तरह जीएमडीए के विकास मलिक को भी राव नरवीर सिंह ने खुली चेतावनी दे दी है और ऐसे तमाम वो अधिकारी जिन्होंने गुरुग्राम में रहते हुए अपनी मनमानी करी और लापरवाही बरती जिसकी वजह से गुरुग्राम में आज समस्याओं का अंबार है, उन तमाम अधिकारियों को राव नरवीर सिंह ने फटकारा और उनको खुली चेतावनी दे दी है कि या तो वो गुरुग्राम से अपना तबादला करा दे, नहीं तो उन लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। आइए आपको भी राव नरवीर सिंह का वो रूप दिखाते हैं जब वो सभी तमाम उन लापरवाह सरकारी अधिकारियों पर भड़के जिनकी वजह से आज गुरुग्राम बदहाल स्थिति में है। नवीन धनखड़ तेरे पास कहाँ कहाँ का चार्ज है? हमारे से 3 जोन है। अरे तेरे का सोनीपत का भी चार्ज है? कितने दिन हो गए? 3 साल हो गए। जल्दी करो, आप जल्दी जल्दी निकल यहाँ से। पूछना ये भी सबसे ज्यादा शिकायत है, एक तो अंदर जाएगा। आजो, मैं कह रहा हूँ बाहर। एक आपने दो दो चार्ज दे रखे हैं इसको, छोड़ो। इतने सालों का आपने भाई? देख तो वो साफ बार बार।
बोल दिया कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का रौद्र रूप देखकर तमाम सरकारी अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए और वहां पर सभागार में मौजूद तमाम सरकारी अधिकारी ये प्रार्थना करने लगे कि उनका नंबर ना आए। सबसे पहले यहां पर राव नरबीर सिंह ने तमाम उन अधिकारियों से ये पूछा कि कौन कौन अधिकारी यहां 10-10 सालों से तैनात है और पिछले 10 सालों में उन्होंने गुरुग्राम में कितनी नौकरी सर्व की है। इस दौरान राव नरबीर सिंह ने उन तमाम अधिकारियों को फटकारा और उन तमाम अधिकारियों को यहां से अपना तबादला कराने के लिए बोल दिया जो पिछले कई सालों से यहां पर मौजूद हैं और जिनके पास कई जिलों का चार्ज भी है। राव नरबीर सिंह का कहना है कि जितने भी अधिकारी गुरुग्राम में काम करते हैं वो केवल एक जगह काम करेंगे, उनके पास एडिशनल किसी अन्य जिले का काम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अधिकारी कोई भगवान का रूप नहीं है जो एक ही समय पे तमाम जिलों के कार्य को संभाल सके और सभी जगह ठीक तरह से ध्यान दे सके। इसीलिए राव नरबीर सिंह ने तमाम सरकारी अधिकारियों को दिवाली तक का अल्टीमेटम दिया है कि दिवाली से पहले पहले पूरे गुरुग्राम में अच्छी साफ सफाई होनी चाहिए, सड़कों पर गड्ढे नहीं होने चाहिए और गलियों में सीवरों का पानी नहीं होना चाहिए। राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों के सामने क्या अपना विजन रखा है वो आपको सुनवाते हैं। आज सारे गुड़गांव के आला अधिकारी यहाँ मौजूद थे। मैंने सबसे अपनी तरफ से कहा है कि गुड़गांव को सुंदर और स्वच्छ बनाना है, दिवाली का अवसर है, इस गुड़गांव को अच्छा बनाए, कंक्रीट का जंगल गुड़गांव ना बने, पॉलीथीन मुक्त गुड़गांव हो, ऐसी हमारी कोशिश है और मुझे उम्मीद है कि सारे अधिकारी इसमें सहयोग करेंगे और दिवाली तक आपको कुछ स्वच्छ गुड़गांव आपको दिखाई देगा। काम कितने होते हैं वो उसके बाद, अभी सरकार आज बनी है, मैं बन के पहली बार आया हूँ, प्रशासन भी इसमें मदद करेगा। आप लोगों का भी समर्थन चाहता हूँ कि जितने मीडिया वाले आप भी प्रचार प्रसार करें कि इस गुड़गांव को सुंदर और स्वच्छ बनाने में आप लोग आम आदमी की भागीदारी जब तक नहीं होगी कोई सरकार किसी भी दल की सरकार हो वो सारे काम नहीं कर सकती, आम आदमी की भागीदारी इसमें हमें चाहिए। भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी चर्चा नहीं, भ्रष्टाचार को चर्चा ले गुड़गांव में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और शहर की बनिस्पत, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसका कंट्रोल करो। वो मैं ये नहीं कहता कि सब जगह नहीं है भ्रष्टाचार, थोड़ा थोड़ा हो चुका लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करने की मैंने कोशिश करी, आइंदा आने वाले समय में भी कोशिश करूँगा। सब नहीं बदले जाते, जो अधिकारी अच्छे होते हम बाहर से भी मंगाते हैं, चाहे 20 साल हो जाए। जो अधिकारी गुड़गांव के मनमाफिक काम नहीं करेगा वो नहीं रहेगा, टाइम बाउंड नहीं है कोई। एक अधिकारी गुड़गांव में अफसर एक बनाया और रिटायर ही होगा मेरे सामने, ये बात नहीं। जो अच्छा अधिकारी गुड़गांव रहेगा, जो काम नहीं करेगा दूसरे जिले में चला जाएगा। मैंने ये कहा कि जिसके पास ड्यूअल चार्ज है, कई अधिकारी ऐसे भी मेरी नज़रों में हैं जिनके पास गुड़गांव और गुड़गांव जिले से बाहर का चार्ज है। एक अधिकारी इतना भगवान कृष्ण नहीं कि 24 हाथ या 10 हाथ बना लो, एक ही जगह अपना काम करे, जहां वो अच्छा चाहे वहां रह जाए लेकिन एक जिले का चार्ज ले। पिछले 5 सालों में गुरुग्राम शहर की जो दयनीय स्थिति हुई है उसके पीछे इसी तरह के लापरवाह अधिकारी रहे हैं जिन्होंने अपनी मनमानियों के चलते इस गुरुग्राम शहर को समस्याओं का अंबार बना दिया है। शायद इस तरह के अधिकारियों को ठीक तरीके से रास्ते पर लाने के लिए इसी तरह के दबंग नेता की आवश्यकता थी और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का ये रौद्र रूप देखकर अब लग रहा है
कि शायद गुरुग्राम में जितनी समस्याएं हैं वो जल्द ही खत्म हो जाएंगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।